रूसी सेना अब यूक्रेन के खार्कीव को घेर कर खड़ी हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रणनीति है कि वो खार्कीव के आसपास एक बफर जोन बनाकर रूसी सैनिकों को तैनात कर दें, जिससे खार्कीव पर पूर्ण विजय हासिल हो सके। लेकिन इस सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि खार्कीव में हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर यूक्रेनी सेना वहां पर मुश्किलों में फंसी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अब रूसी सेना यूक्रेन में जवाबी कार्रवाई के तहत यूक्रेन के और इलाकों पर लगातार कब्जा करती हुई जा रही है। लेकिन इस सब के बीच ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से युद्ध में अपनी नाकामी छिपाने के लिए इसका ठीकरा पश्चिमी देशों पर फोड़ा है। उनका कहना है कि पश्चिमी देशों की तरफ से हथियारों की सप्लाई और फंडिंग में देरी होने की वजह से इसका खामियाजा यूक्रेन को फ्रंटलाइन पर भुगतना पड़ा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि पश्चिमी देश यूक्रेन को मदद को लेकर जो फैसला कर रहे हैं उसमें करीब एक साल की देरी हो रही है। Рішення, до якого ми потім всі разом приходимо, воно десь запізнюється на рік. На мою думку, я кажу, як є. Якщо б патріоти нам передавали на самому початку, коли дронів було дуже мало, коли вони застосовували ракети, і вони б бачили, що ракети збиваються, вони б бачили, що це унеможливлює їх застосування, по глобальне застосування по нашій енергетиці. Не було б ніяких блекаутів. Мало того, ми б могли зберегти максимальну частину, об'єм нашої української генерації енергетики. Але є те, що є. Великий крок вперед, але перед цим два кроки назад. І тому нам треба трішки змінювати парадигму, розумієте? आपको बता दें कि अमेरिकी संसद में करीब 6 महीनों तक यूक्रेनी सहायता पैकेज को लेकर झगड़ा चलता रहा है और अप्रैल 2024 में अमेरिकी संसद ने यूक्रेन के लिए $61 अरब का सैन्य सहायता पैकेज पास किया था और इसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के लिए अलग से $1 अरब के हथियार देने की घोषणा भी की थी। पेंटागन ने कहा था कि यूक्रेन को ये हथियार अमेरिकी सैन्य भंडारण से दिए जाएंगे। लेकिन अमेरिकी संसद में यूक्रेन पैकेज को लेकर हुई देरी की वजह से फरवरी 2024 में रूसी फौज ने अवदिवका पर कब्जा कर लिया था। यहां पर यूक्रेनी सैनिक हथियारों की भारी किल्लत से जूझ रहे थे, जिसके चलते उन्हें अवदिवका को छोड़ना पड़ा था। इसके अलावा यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम की कमी की वजह से रूस ने उसके ऊपर मिसाइल हमले बढ़ा दिए थे और इनमें से ज्यादातर हमले यूक्रेन के बिजली घरों पर हुए थे, जिसकी वजह से यूक्रेन कई बार अंधेरे में डूब गया था। बड़ी बात यह है कि इन हमलों को लेकर यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय का कहना है कि रूसी हमलों में यूक्रेन को 1 अरब से ज्यादा ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचा है और यही वजह है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति अब कह रहे हैं कि उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसको लेकर पश्चिमी देश एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो दो कदम पीछे खींच लेते हैं और अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों को यूक्रेन की रक्षा के लिए इस युद्ध में और ज्यादा सीधे तरीके से शामिल होना चाहिए। वो रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट की जानकारी यूक्रेनी सेना को मुहैया कराएं, जिससे यूक्रेनी फौज रूसी सैन्य उपकरणों पर पश्चिमी हथियारों से हमला कर सके। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस यूक्रेन की जमीन पर 300 हवाई जहाजों का इस्तेमाल कर रहा है। हमें इसका सामना करने के लिए कम से कम 120 से 130 F-16 फाइटर जेट चाहिए। ज़ेलेंस्की का ये भी कहना है कि अगर नेटो देश हमें जल्दी फाइटर जेट्स नहीं दे सकते तो उन्हें अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए रूसी हमलों को नाकाम करना चाहिए, जिससे यूक्रेन का पश्चिमी इलाका रूसी हमलों से सुरक्षित रहे।
जेलेंस्की का यह भी कहना है कि रूस के भीतर उनके हथियार अड्डों पर अमेरिकी हथियारों से हमला करने को लेकर भी पश्चिमी देशों के साथ उसकी कोई सकारात्मक बात नहीं हुई है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने जेलेंस्की से कहा है कि वो अमेरिकी हथियारों द्वारा रूस के भीतर हमलों का समर्थन नहीं करते हैं, जबकि यूक्रेन अधिकारी लगातार इस बाबत अमेरिकी अधिकारियों को इसको लेकर मनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इस मुद्दे पर अपना रुख नहीं बदला है। यहां तक कि खार्कीव में रूसी हमले शुरू होने के बाद भी पेंटागन की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने इस बात को साफ कर दिया है कि अमेरिका यूक्रेन द्वारा उसके हथियारों से रूस के भीतर हमला करने के लिए राजी नहीं हुआ है।